भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष तिलक राज शर्मा की अध्यक्षता में बीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक आयोजित की गई व नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने बताया कि टैक्सी ऑपरेटरों के जो भी समस्याएं थी उन्हें सुलझा लिया गया है और सर्वसहमति से नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया है, जिसमें राकेश ठाकुर तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं उप प्रधान बलवीर ठाकुर, महासचिव सुरेंद्र पठानिया, सह सचिव कोषाध्यक्ष रमेश कुमार, कानूनी सलाहकार धर्मचंद, संगठन मंत्री विजय ठाकुर, प्रेस सचिव प्रदीप चौहान को बनाया गया है। इसके अलावा सन्नी ठाकुर, सुनील कुमार, शक्ति चंद, विजय कुमार, मदन लाल, सुशील कुमार को सदस्य बनाया गया है। तिलक राज ने बताया कि यह कार्यकारिणी 2021 तक अपना कार्य करेगी। उन्होंने टैक्सी ऑपरेटरों से कहा है कि किसी भी सवारी के साथ अच्छा व्यवहार करें और किसी भी व्यक्ति का सामान यदि गाड़ी में रह जाता है तो उसे वापस करें। आज बीरभूमि टैक्सी यूनियन के चुनाव तो भारतीय मजदूर संघ नहीं करवाता, क्योंकि चयन प्रक्रिया हमारे खंड स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक रहती है। तो इसी का हिस्सा एक जो हमारे जिला हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नौ यूनियन काम करती है, उसका एक जो बीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन हमीरपुर में है, उसकी आज चयन प्रक्रिया जो है वो हुई। और इसमें प्रधान पद के लिए जो है वो राकेश ठाकुर जी को पूरे हॉल ने सर्वसम्मति से चुना, उप प्रधान श्री बलबीर जी को, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हमारे सेक्रेटरी रहते हैं उसको सुरेश पठानिया जी को, कोषाध्यक्ष रमेश ठाकुर जी को, और कानूनी सलाहकार जो है वो धर्मचंद जी को चुना गया। प्रेस सचिव जो हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी हैं उनको चुना गया, संगठन मंत्री विजय कुमार जी, और इसी तरह मेंबर कोर्ट से जो है वो सुनील कुमार जी, झनियारा से सन्नी जी, नालटी से शक्ति चंद जी, भीड़ा से सुशील कुमार जी, और लोकल एरिया जो हमारा अणु तक पड़ता है वो विजय कुमार जी, चौकी से अनुपम जसवाल जी, और झनियारा पक्का भरो मदन कुमार जी, और भरोहा बाल क्षेत्र से सुनील कुमार जी को चुना गया। और ये हमारी जो कार्यकारिणी है वो अगले 3 वर्षों के लिए, बस 18 से लेकर के बस 2021 तक जो है वो ये कार्यकारिणी जो है वो 3 वर्ष के लिए चुनी गई। यूनियन के प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि जो विश्वास टैक्सी ऑपरेटरों ने जताया है इस पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 15-16 साल से इस यूनियन का प्रधान पद पर जो है कार्यरत हूँ, और मेरे को इस यूनियन के हर मेंबर का जो, हर सदस्य का जो बहुत प्यार मिला है, और उन सबने मेरे को बड़ी इज्जत दी है, और मैं चाहूँगा कि आगे के लिए मैं इनके लिए जितना ज़्यादा हो सकूँ उतना करूँ। और यूनियन के और कई समस्या हैं जिनके लिए भी इनके सहयोग से मैं किसी भी कार्यालय में कहीं भी जो भी काम होना मैं करूंगा। कि सबसे पहले जो HRTC की जो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ चली हुई हैं, इनकी वजह से जो हमारा काम 10 रुपये बंद हो गया। ये जो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो टैक्सी चली है इलेक्ट्रिक सरकार ने जो अवैध चलाई हुई है, क्योंकि इनके रूट परमिट तक नहीं है, ये स्टेज कैरेज है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नहीं है। तो हम जाएंगे इनके विभाग के आला अफसरान के पास जाके बैठ के बात करेंगे, RTO साहब से बात करेंगे, DC साहब बात करेंगे कि इनका कुछ करें। टैक्सी कई है जैसे परमिट की समस्या, परमिट बंद हुए थे, अभी खुले थे 1-2 दिन के लिए, लेकिन आगे नहीं खुले, तो उसके लिए भी हम राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि परमिट खोले जाए।